गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेस्पेक्टेड गार्जियन, वेलकम टू जुपिटर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ ज्योति जादौन, एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th बुक्स, दिल्ली सल्तनत, जो कि इंडिया ड्यूरिंग स्ट्रगल करके जो चैप्टर है उसमें. और आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट खिलजी डायनेस्टी के बारे में. इससे पहले हमने पढ़ा था इलवरी या गुलाम डायनेस्टी, और आज हम पढ़ते हैं इसके लिए खिलजी डायनेस्टी. खिलजी डायनेस्टी की बात करें स्टूडेंट, तो खिलजी डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. तो जलालुद्दीन फिरोज खान खिलजी, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी. और ये का क्या करता है स्टूडेंट, 70 साल का होता है. ही वॉज द 70 ईयर ओल्ड, ठीक है. और इसके जो नेफ्यू और नाइस होता है अलाउद्दीन खिलजी, ओके, वो उसकी हत्या कर देता है और क्या बन जाता है रूलर. अलाउद्दीन जो खिलजी है वो बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है. और उसी समय जो टाइम हमने राणा अमीर के बारे में पढ़ा था स्टूडेंट, राणा अमीर पर अटैक करते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी. तो दिल्ली सल्तनत टाइम में इनकी जो पावर्स थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थी, ठीक है. और जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने एक टाइटल गेन किया था, उसने लगभग पूरे इंडिया को जीत लिया था, और उसने द सेकेंड अलेक्जेंडर का जो टाइटल था वो गेन किया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या करेगा वो, उसने अपनी मिलिट्री एम्पायर को, मिलिट्री स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ाया था, इसने अलाउद्दीन खिलजी ने. ओके स्टूडेंट, उसके बाद में 1303 में ये चित्तौड़ का जो फोर्ट है उसको जीतता है, और 1301 का हमने पढ़ा ही था, ओके, रणथंभौर को जीतेगा कब, 1301 में, और 1303 में किसको, चित्तौड़गढ़ को. ये सब जो काम है वो किसके हैं, ये सब सारे अचीवमेंट्स हैं वो किसके, अलाउद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है बस, 1290 में तो ये रूलर बनता है कौन, जलालुद्दीन खिलजी, और 1296 में उसकी डेथ हो जाती है. और उसके बाद में नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ खिलजी डायनेस्टी वॉज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है. ही मेनी रिफॉर्म्स ऑन हिज एम्पायर. और उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या करेंगे ये कि इसने गुजरात कैंपेन में जब ये जाता है तब रास्ता मांगता है किससे, कान्हड़ देव से, ओके. और कान्हड़ देव इसको रास्ता नहीं देते, तो लौटते वक्त एक बैटल होता है कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, और कान्हड़ देव की इतनी पावर थी कि उसके सामान को लूट लेता है वो, ठीक है. नेक्स्ट अगर बात करें तो अमीर खुसरो, मलिक काफूर, रामेश्वरम, अदर जो रूलर थे, अदर जो उसके कोर्टियर्स थे, ठीक है, उन्होंने इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया. इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर था अलाउद्दीन खिलजी. और माहिम शाह को शेल्टर दिया था किसने, राणा अमीर ने, जिससे एक डिसाइसिव बैटल होता है राणा अमीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, ओके. और दिल्ली सल्तनत के पावरफुल रूलर होते हैं, ठीक है. इसके कुछ 5 रिफॉर्म्स हैं स्टूडेंट्स, उन रिफॉर्म्स को हम देखते हैं कि इसने क्या किया था. इसने एनेक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट्स, इसने जो एरिस्टोक्रेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट, जो धनी लोग सामंत थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको लिमिटेशन कर दिया कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते. सेकेंड, इसका जो रिफॉर्म था, इसने जो बैरन लैंड था उसको कन्वर्ट किया था किसमें, फर्टाइल लैंड में. जितनी भी बैरन लैंड था उसे फार्मर से बोला गया कि इसमें क्या करेंगे, हम फार्मिंग करेंगे, इसके लिए बैरन लैंड को चेंज कर दिया गया किसमें, एक फर्टाइल लैंड में. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट रूलर था अलाउद्दीन खिलजी जिसने कि अपने एरिया में फर्स्ट टाइम अल्कोहल पर बैन किया था, लगाया था अल्कोहल पर, क्या किया इसने, अल्कोहल को बैन कर दिया था. उसके बाद में इसने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को ज़्यादा बढ़ाया था, जो कहते हैं ना इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसको आगे बढ़ाते हैं ये, है ना, अल्कोहल पर बैन करता है. उसके बाद में इसने खलीफा के पद को अप्रूव किया था, और इसने एक टाइटल गेन किया था, इसको बोलते हैं यास्मीन उल खिलाफत. ओके स्टूडेंट, यास्मीन उल खिलाफत,
ठीक है। और खाजन फुतो में अमीर खुसरो ने इसको एक टाइटल दिया है जो बहुत आता है, सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सुल्तान। ओके स्टूडेंट, या पब्लिक हर्ट्समैन, लोगों का चरवाहा, चरवाहा, हर्ट्समैन मतलब चरवाहा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बोलते हैं तो इसके टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था काफ़ी था, अच्छा था, इसने कई डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, उसको कैरी किया। उन डिपार्टमेंट्स के आगे हम पढ़ते हैं। यस, इसके नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी का अपन देखिए टाइटल्स। तो स्टूडेंट, इसने सेकंड अलेक्जेंडर जो टाइटल था गेन किया था, इसने अपने कॉइन्स पे भी लिखवाया था द सेकंड अलेक्जेंडर अलाउद्दीन खिलजी ने। और हम यू नो 1301 में इसने रणथंबोर को ऑक्यूपाई किया, कनकर द रणथंबोर फोर्ट। एंड 1303 में ये किसको जीतते हैं, चित्तौड़गढ़ फोर्ट को। इसमें सारी इसकी जो हेल्प करता है, इसका जो आर्मी कमांडर होता है स्टूडेंट वो करता है, और उस आर्मी कमांडर का नेम था मलिक काफूर, ठीक है, जो मुस्लिम फॉर्म हिंदू, ठीक है, हिंदू से मुस्लिम माना था, ये पहले हिंदू था उसके बाद में मुस्लिम माना, ठीक है। उसके बाद में इसने अपनी फोर टाइप की जो इफर्ट है वो करता है ये, और नई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको चलाता है। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्लास टेंथ के स्टूडेंट स्पेशली, क्योंकि 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो ये आते हैं। तो नई जो जो डिपार्टमेंट्स थे उसको बनाया, जैसे कि फर्स्ट था दीवानी रियासत, ठीक है, दीवानी रियासत मार्केट कंट्रोलर, मार्केट को कंट्रोल करने का एक डिपार्टमेंट था जिसको बोला गया दीवानी रियासत। उसके बाद में एक शाहना, इसको शाहना भी बोलते हैं और दंडाधिकारी भी, ठीक है, शाहना और दंडाधिकारी नाम का एक व्यक्तित्व था जिसको मार्केट इंस्पेक्टर, ठीक है, कहा जाता था। वो मार्केट में जो भी अननेसेसरी वर्क ना हो उसको जज करता था। उसके बाद में नेक्सस का जो डिपार्टमेंट था स्टूडेंट वो था बरीदे मुबालिक, ये क्या था, गुप्तचर, ठीक है, इंटेलिजेंस स्पाइंग ऑफिसर्स होते थे। तो ये सब इस एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब मेजर इसका जो फोकस रहा वो मार्केट पे रहा, ठीक है। इसके टाइम में जो ब्लैक मार्केटिंग थी स्टूडेंट्स वो बिल्कुल भी बैन हो गई थी, ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग इसके टाइम में होती ही नहीं थी, किसके, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। बहुत स्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम कि इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत स्ट्रिक्ट था। उसके बाद में इसने अपनी आर्मी के लिए भी बहुत सारे रिफॉर्म्स करता है, और इसने एक कुश की सीरी या अलाई कुश नाम का दरवाज़ा बनवाता है, एक फोर्ट बनवाता है कुश की सीरी, और इसमें देर आर 7 गेट्स, 7 गेट्स होते हैं उसमें। और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। इसके बाद में इसका जो बेटा होता है स्टूडेंट वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी रूलर बनता है, और वो अपने फादर्स के जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं, जितने भी रूल्स होते हैं, उन सभी को एलिमिनेट कर देता है, ओके, और खुद एक टाइटल गेन करता है, उस उल वसीक बिल्ला, ठीक है, भगवान का रखवाला, उल वसीक बिल्ला, ठीक है। और ये उसके बाद में नसरुद्दीन खिलजी होता है, नसरुद्दीन मुबारक खिलजी, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। सो छोटा सा डिस्क्रिप्शन है खिलजी डायनेस्टी का, तो एक बार हम फिर से इसको टैली कर लेते हैं। द फर्स्ट रूलर वाज खिलजी डायनेस्टी इज अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन मुबारक खिलजी, ओके, और ये 70 ईयर ओल्ड होता है, 70 साल का वो होता है तब रूलर बनता है। और उसके बाद में 1296 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसको मार देता है कौन, इसका ही नाइफ नेफ्यू एंड सर बेटा, अदा माजी दामाद या भतीजा, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को एक्चुअल ऑर्गेनाइजर कह सकते हैं हम, किसका, खिलजी डायनेस्टी का। काफ़ी रिफॉर्म्स करते हैं, अपने एरिया को कश्मीर से बंगाल तक एक्सपेन करता है, कश्मीर से बंगाल तक अपने एरिया को बढ़ाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में अपनी पावर को स्ट्रेंथ करता है, चित्तौड़ को 1303 में ऑक्यूपाई करता है, 1301 में रणथंबोर को ये भाई अटैक करता है और जीत लेता है राणा मीर से,
और उसके बाद में फिर ये मालवा और गुजरात पर जाता है उसके विजय के लिए, और वहाँ इसके साथ बैटल होता है इसके साथ में कानड़ देव के साथ में, आर्मी को लूट के लिए करता है। और उसका इसमें जो भी इसकी हेल्प करता है वो इसका चीफ कमांडर होता है, इसका नाम था मलिक काफूर। ओके, उसके बाद में मिलिट्री रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी, और कॉइन्स पे भी इंस्क्राइब करता है अपना नेम। ओके, फिर फोर टाइप के ये अचीवमेंट थे इसके। अल्कोहल को क्या कर देता है, बिल्कुल बैन कर देता है, एनेक्सिंग बैन ऑफ एनेक्सिंग एनेक्सिंग प्रॉपर्टी ऑफ एरिस्टोक्रेट, जो अमीर लोग होते हैं उनकी प्रॉपर्टी पर बैन लगा देता है कि ज़्यादा वो पैसा नहीं रख सकते। बैरन लैंड को कन्वर्ट कर देता है कि इसमें फर्टाइल लैंड में। ओके, और अपने एम्पायर को बढ़ा देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ये मार्केट पर काफ़ी फोकस करता है, और मार्केट पर फोकस करने के लिए कई डिपार्टमेंट्स बना देता है, लाइक दिस दीवाने रियासत काफ़ी आता है ये क्वेश्चन, दंडाधिकारी बरी देवो मालिक, ठीक है। और ये उसके बाद में एक सराय अदाल नाम की लोकल मार्केट भी थी। सराय अदाल ये क्या था स्टूडेंट, ये लोकल मार्केट था उस समय जिसमें हम छोटे मोटे जो गुड्स होते थे, सामान थे, उसको इम्पोर्ट कर सकते थे। ओके, तो मार्केट कंट्रोलिंग का काम करता है, ये लर्न कर लीजिएगा आप, और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी दीजिएगा। दीवाने रियासत, दंडाधिकारी, बरी थे मुबालिक और सराय अदाल। इस दंडाधिकारी को स्टूडेंट शाहना भी बोला गया, शाहना या दंडाधिकारी। ओके, उसके बाद में नाप तौल के मेज़रमेंट के लिए भी काम करते हैं, अपनी आर्मी में काफ़ी रिफॉर्म्स करते हैं। और फिर उसके बाद में कुश्के सीरी या लाइफ फोर्ट को बनाता है, इसमें कितने गेट्स थे, 7 गेट्स थे। नेक्स्ट उसके बाद में इसकी डेथ हो जाती है, और इसका नेक्स्ट सक्सेसर होता है, इसका नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। फादर के सारे जो रूल्स होते हैं उसको एलिमिनेट कर देता है, और एक टाइटल गेन करता है, उल वसीक बिल्ला। नसरुद्दीन मुबारक खिलजी लास्ट रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फिर इसके बाद में आता है हमारा तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी को हम पढ़ते हैं। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, ठीक है, और इसका नाम था ग्यासुद्दीन, तो इसको आगे हम पढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट जो डायनेस्टी है स्टूडेंट वो है तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी में गाजी मलिक या ग्यासुद्दीन तुगलक वो सुल्तान बनता है, ठीक है। और जैसे ही ये सुल्तान बनता है तो वेरियस रिवॉल्ट को ये फ्रेस करता है, बहुत सारी रिवॉल्ट्स होती है इसके, वो क्या होता है छिड़ जाती है कभी कहीं के राजा जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं कभी कहीं के, तो जैसे ही रूलर बनता है तो बहुत सारी मिनी रिवॉल्ट्स को फेस करता है। और कई जो वारंगल था वहाँ अपने बेटे को भेजता है, इसका नाम था जोना खान, ठीक है, तेलंगाना के राजा थे, इसका नेम था प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, उनकी को उनके रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए ये भेजता है। और उसके बाद में क्या करता है, ग्यासुद्दीन तुगलक बंगाल का जो रिवॉल्ट था उसको भी क्रश कर देता है, खत्म करता है, लेकिन उसका लास्ट मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है ये। ओके, उसके नेक्स्ट फिर आपका दे रखा है कि ये क्या करते हैं, वुडन जब वो दिल्ली बंगाल को के रिवॉल्ट को क्रश कर वापस आता है, तब क्या करता है, एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था, रूलर्स कि जब विजय होती थी तो उसके बाद में कुछ ना कुछ फंक्शन करते थे, ठीक है, जैसे कि मालवा की फंक्शन के विजय की बख्शात क्या अकबर ने बनवाया था ना आपका बुलंद दरवाज़ा, ऐसे ही ये क्या करता है, फंक्शन ऑर्गेनाइज करता है। और ये क्या करते हैं, एक गेट होता है, ठीक है, दिल्ली में,
तो उसकी लकड़ियों की जो सीढ़ी होती है वुडन स्कल्पचर, उससे ये फिसल जाता है और घायल हो जाता है और कुछ दिनों बाद इसकी डेथ हो जाती है। ओके, और इसकी डेथ होती है 1325 में। इस गाजी मलिक की डेथ हो जाती है कब? 1325 में, 1325 में ही डेथ हो जाती है। और ये रूलर कब बनता है स्टूडेंट? 1320 में। 1320 में तो ये रूलर बनता है, 1325 में इसकी डेथ, 5 ईयर का इसका टाइम होता है। ओके स्टूडेंट, तो बंगाल के एक्सपेडिशन को क्रश करता है और उसका लास्ट ये एक्सपेडिशन होता है ये, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट 1325 में इसकी डेथ हो जाती है और इसका जो रूल सन होता है जोना खान, वो क्या बनता है? रूलर बनता है नेक्स्ट, ठीक है। और अपने नेम को सुल्तान से, ठीक है, सुल्तान नेम करते हैं ये नेक्स्ट। फिर ये कहीं जो टाइटल्स हैं वो गेन करता है कौन? जूना काम, जैसे एन एस्ट्रेटिंग मिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन विस्मयकारी रेशियो का मिश्रण इसको बोला जाता है, ठीक है। थर्स्टी ऑफ ब्लड, थर्स्टी ऑफ जो ब्लड टाइटल है वो काफ़ी आता है, वो गेन द टाइटल ऑफ थर्स्टी ऑफ ब्लड। तो नजूना खान गेन द टाइटल ऑफ थर्स्टी ऑफ ब्लड, खून का प्यासा, ठीक है। ये अपने टाइम में जो इसका जो प्रोविनेंस था वो 23 मुक्तास, या प्रोविनेंस जिसको बोलते हैं, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो 23 मुक्तास या प्रोविनेंस में डिवाइड होते हैं। ओके, और इसके जो मेजर अचीवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? तो इसने क्या किया था, जो टैक्सेस था दोआब क्षेत्र का, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है उसको दोआब बोलते हैं, उस एरिया का जो टैक्स होता है वो इंक्रीज करता है, टैक्स इंक्रीज द दोआब रीजन। और देवगिरी को क्या बनता बनाता है? अपनी कैपिटल बनाता है ये। टोकन करेंसी का सर्कुलेशन करता है, इसके जो 5 प्लेन्स है वो काफ़ी आते हैं। और उसके बाद में अपने एम्पायर को खुरासन से कराचिल तक बढ़ाता है। ओके, उसके बाद में ये जो सुल्तान है ये देवगिरी को अपनी कैपिटल बनाते हैं 1327 में, ठीक है। और इसकी देवगिरी कैपिटल कब तक रहती है? 1327 से 1335 के बाद में ये दौलत, इसका नेम चेंज कर देता है दौलताबाद, ठीक है। 1330 में ये को जो टोकन करेंसी होती है उसका सर्कुलेशन करता है और मैं कॉपर को मिक्स करके नई जो करेंसी होती है उसको बना देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ जाली नोट बोलते हैं ना, वो बनना शुरू हो जाता है, ऐसे ही लोग बनाना शुरू कर देते हैं, तभी क्या करता है उसको बंद करवा देता है, ठीक है। उसके बाद में इसके समय में इब्न बतूता जो एम्बेसडर था मोरक्को ट्रैवलर, इसको हम बोलते हैं, 1333 में ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये काजी के टाइटल को भी गेन करते हैं, अपने काजी को चाइना भेजता है, ठीक है, एम्बेसडर बना के 1342 में। और मोहम्मद तुगलक की जो डेथ हो जाती है वो कब होती है? 1351 में। ओके स्टूडेंट, 1351 में जो तुगलक, मोहम्मद तुगलक का कज़न होता है चचेरे भाई, इसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, ये रूलर बनता है और रूलर नहीं बिकम द सुल्तान कह सकते हैं। दिल्ली सल्तनत में जितने भी रूलर्स थे उनको हम सुल्तान कहते हैं स्टूडेंट। फिरोज शाह ने 2 मिलिट्री एक्सपेंडिशन स्टार्ट की थी, एक तो हाजी लियाज बंगाल में, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और उसके बाद फिरोज शाह ने क्या किया, जो आर्मी की जॉब्स थी स्टूडेंट उसको हर्डिट्री कर दिया। हर्डिट्री इट मीन्स वंशानुगत, मतलब कोई अपनी क्वालिफिकेशन से उस आर्मी में ही नहीं आएगा, सोल्जर की जॉब नहीं करेगा, कैसे हर्डिट्री? अगर उसका फादर आर्मी में है तो बेटा भी आर्मी में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में इसने कोई जो मिलिट्री क्वालिफिकेशन थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, अपने नाम के सिक्के चलवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। उसके बाद में इसका जो काम था वो कैनल का कंस्ट्रक्शन काफ़ी कराया, काफ़ी जो वाटर रिजर्वेरियर थी फिरोज शाह तुगलक ने काफ़ी बनवाए। ओके, और जैसे कि फिरोजाबाद जौनपुर दीपालपुर यहाँ पर कैनल का कंस्ट्रक्शन करवाया था इस आर्मी। अशोका का जो पिलर था टोपरा से,
जो दिल्ली आया था उस पे भी इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि इसका फिरोज शाह तुगलक का। ओके, उसके बाद में इसने जो जजिया टैक्स होता था, नॉन मुस्लिम जो टैक्स था वो भी ये लेता था। 24 टाइप के जो टैक्सेस थे इसने उसको एलिमिनेट कर दिया था। और फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो जाती है स्टूडेंट कब, 1388 ईडी में। ओके, और धीरे धीरे टाइम पास होता है और ये जो डायनेस्टी है वो बिल्कुल ही डिक्लाइन हो जाती है। और 1398 में तुर्किश जो इन्वाइडर है उसका नाम है तैमूर लंग, वो इंडिया आ जाता है और इंडिया पर अटैक कर देता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो डायनेस्टीज पढ़ी वो खिलजी डायनेस्टीज पढ़ी, तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, ठीक है। और ये जो डायनेस्टीज है आप इसको, मैंने भी इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है बोर्ड पर, इसको नहीं इतना ज़्यादा समझा सकते, और आप लोग अपनी बुक की हेल्प लें क्लास 10th के स्टूडेंट्स स्पेशली, और इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करें, 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको बना लें। तो तुगलक डायनेस्टी लगभग 12 लाइन्स 10 पॉइंट्स होने चाहिए, इसको कीजिए। और आप लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को, थैंक यू, कमेंट आते हैं बहुत अच्छा लगता है। एक वीडियो था मेरा तो 160 कमेंट हो गए थे, 116 कमेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग कमेंट कीजिए, है ना। और आगे जो क्वेश्चंस है इसको बिल्कुल डिटेल में लिखिए, जैसे मैं आपको पॉइंट्स समझा रही हूँ इस पॉइंट्स को, नहीं ऐसा नहीं, जैसे आप लिख रहे तुगलक डायनेस्टी फिर एक सीक्वेंस है उसका, फाउंडर फिर नेक्स्ट सक्सेसर, उन्होंने अपने एरिया को कहाँ कहाँ एक्सप्लेन किया था, एरिया को कितना फैलाया, वो गेन द टाइटल, किसने जो न्यू टाइटल्स थे वो गेन किए, किसने किसकी डेथ की, पूरा डिटेल में लिखिए। हमारे पास बहुत टाइम है स्टूडेंट्स, हम अच्छे से इसको कर सकते हैं। ओके, सो आई वुड लाइक टू थैंक्स अगेन एंड थैंक यू वेरी मच।